जयपुर का आज 293वां स्थापना दिवस है और इसी अवसर पर एक समारोह भी आयोजित किया गया है। सीधा उसी का रुख करते हैं। तो देखिए, आज जयपुर का 293वां स्थापना दिवस है। एक समारोह का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत तस्वीरें भी आप सीधी अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। फोन लाइन पर सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या जानकारी है, किस तरीके से मनाया जा रहा है जयपुर का 293वां स्थापना दिवस? हालांकि कोरोना काल है, ऐसे में भव्य समारोह जैसे होता है वो तो नहीं हो पाएगा। देखिए, बिल्कुल, बात करें तो जयपुर का आज जो कि स्थापना दिवस है 1727 में इसकी स्थापना हुई थी और आज इसका जो कि स्थापना दिवस है मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते उस तरह से धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा, लेकिन जिस तरह से जो बात करें तो कल गुंडार परिषद की ओर से स्टेशन पर एक साथ पर स्थापना दिवस मनाया गया। इसके बाद में हम जयपुर नगर निगम थिएटर और थिएटर की महापौर द्वारा गंगा पोल पर गणेश पूजन के साथ में यह मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा पोल जैसे नगर में है, गंगा पोल है, वहाँ पर गणेश पूजन किया जा रहा है। वहाँ पर जो ट्रेन की मदद के लिए गणेश पूजन गेट के ऊपर गणेश की प्रतिमा है, वहाँ से की तैयारी है वो की जा रही है। नगर निगम ग्रेटर के महापौर शोभना जिगर और नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश जिगर वहाँ पर मौजूद है, जो गणेश पूजन कर रही है। तस्वीरों में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रेन की मदद के जरिए वहां तक पहुंचाया जा रहा है और फिर जो गणेश पूजन वो संपन्न करवाया जाएगा जी। और फिर हम सीधे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से करवाया जा रहा है। आप देखते हैं कि गणेश पूजन का हमारे है यहाँ पर नगर निगम होटल की ताकि जयपुर की शुभ समृद्धि है। गंगा पोल पर हर वर्ष के बाद इस बार भी जो गणेश पूजन है वो किया जाए, क्योंकि जयपुर का स्थापना जब दी थी तब सबसे पहले गंगा पोल का ही निर्माण करवाया गया था ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर गंगा पोल पर जी उसका पूजन का कार्य है वो किया जा रहा है। जो संदिग्ध महंत है वो पूजन का जो विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना है वो करवा रहे हैं और उसमें पूजा अर्चना में जो दोनों चीजें जैसे महापौर गुजर और नगर निगम ग्रेटर की महापौर है सोना गुजर, वो दोनों मिलकर एक साथ जो गणेश पूजन का कार्य है वो कर रही है और जयपुर की कुछ मंदिर की भावना है ये यहाँ की जा रही, क्योंकि 293 साल हो चुके हैं जयपुर के और स्थापना की और 293वां स्थापना दिवस आज भी मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के चलते इस तरह से धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि पहले जो स्थापना दिवस मनाया जाता है उसके अनुसार हालांकि इंटरनेशनल जगह पर जो कार्यक्रम है वो जो हमेशा रिवर्स करवाए जाते हैं, जिसमें एक गंगा पोल पर गणेश पूजन का भी दिया और वो आज संपन्न है वो करवाया जा रहा है। तो जयपुर की जो सुख समृद्धि और जिस तरह से हेरिटेज जयपुर को हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, यूनेस्को ग्रह में शामिल किया गया है जयपुर का कोटे को,
और उसमें किस तरह से आगे काम हो और उसके साफ सफाई और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए यहाँ पर आज जो अनेक चीजों कार्य है वो करवाया जा रहा है, ताकि किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी जयपुर में और जयपुर की जो हमेशा सिस्टम वर्दी है वो बनी रहे और उसी के साथ में पूजन कार्य वो चलाया जा रहा है। बिल्कुल लोकेश, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से पूजा अर्चना के साथ आज जयपुर का 293वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, किस तरीके का उत्साह वहां पर नजर आ रहा है लोगों में, क्योंकि जयपुर शहर जयपुर वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही अहमियत रखता है और साथ ही दूसरे देशों से भी जब पर्यटक आते हैं तो प्राथमिकता जयपुर शहर को दी जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जयपुर एक हेरिटेज शहर है और यहाँ पर देश विदेश से जो पर्यटक है वो आते हैं। आज स्थापना दिवस है, काफी उत्साह है लोगों में, वो देखा जा रहा है, जगह जगह कार्यक्रम है वो आयोजित कराया जा रहा है, लेकिन कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो प्रोटोकॉल है उसका ध्यान में रखा जा रहा है। जिस तरह से आपने तस्वीरों में दिखाया कि यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो लोग है वो एकजुट है, हालांकि मास्क और जो कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एकजुट भी होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, लेकिन बड़ा उत्साह है लोगों में वो देखा जा रहा है। जयपुर का स्थापना दिवस जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कराया जाए, जिसमें जो विधि विधान से हर साल जो कार्यक्रम आयोजित होता है, इसमें जो गंगा पोल पर गणेश पूजन है वो हर साल विधि विधान के साथ में यहाँ पूजन है वो करवाया जाता है, जयपुर महापौर की ओर से पूजन किया जाता है। और आज भी इस बार खास बात ये है कि दो नगर निगम हो गए, ऐसे में दोनों नगर निगम के महापौर यहाँ पर एक साथ आए हैं और एक साथ जो पूजन पा रहे हैं, तो क्या इससे पहले उन्होंने मोहत डोंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की है, जयपुर की सुख समृद्धि की कामना की है, दोनों एक साथ पहुंची वहाँ पर और एक साथ पूजा की है, और इसी तरह आज गंगा पोल पर भी एक साथ मिलकर जो पूजा अर्चना है वो कर रही है। जो तस्वीरें आप सीधे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जो सीधे तस्वीरें जो देख रहे हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना है वो की जा रही है, क्रेन की मदद के जरिए वहां तक पहुंचने का जो तरीका है वो अपनाया गया है, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो और बिल्कुल आराम से गणेश जी की जो पूजा है वो हो जाए। महंत वहाँ पर साथ में मौजूद है जो ये पूजा अर्चना है वो करवा रहे हैं और लोगों में खासा उत्साह है वो ये देखने को मिल रहा है कि जयपुर 293 सालों की जयपुर स्थापना की और लगातार सुख समृद्धि की ओर और विस्तार जयपुर का है वो होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल लोकेश, देखिए ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहाँ पर दोनों महापौर भी मौजूद हैं और गणेश पूजन जो है वो किया जा रहा है, काफी मनमोहक तस्वीरें ये हैं। जयपुर शहर को आज 293 साल हो चुके हैं, स्थापना दिवस आज है, ऐसे में जयपुर वासियों का भी किस तरीके से आपने पूरे शहर का जायजा भी लिया, जो सुबह भी हमने तस्वीरें दिखाई लोग काफी उत्साहित होकर जयपुर घूमने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, बात करें तो सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, दिसंबर नजदीक आ गया है, पर्यटन सीजन भी इस समय शुरू हो जाता है, हालांकि कोरोना के चलते विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज स्थापना दिवस है और देखिए पर्यटकों में काफी उत्साह है वो आज देखने को मिला है, बड़ी संख्या में जयपुर भ्रमण के लिए पर्यटक आ रहे हैं, जिनको ये सूचना मिल रही है कि उनको पता चल रहा है कि जयपुर का 293वां स्थापना दिवस, तो काफी खुश नजर आ रहे हैं इसको सुनकर, और बड़ी संख्या में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि और आज उसी उत्साह को लेकर यहाँ पर जो दोनों नगर निगम के महापौर है वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही है, और जिस तरह से पहले भी हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से जो देशी पर्यटक है वो जयपुर में घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, और हालांकि पर्यटन विभाग की ओर से किसी तरह का जो कार्यक्रम है वो नहीं किया गया कोरोना के चलते, लेकिन पुरातत्व विभाग की ओर से पर्यटन स्थल है जो जयपुर में, क्योंकि पुरातत्व शहर है, हेरिटेज शहर है, और यहाँ पर कई जगह जो जो पुरातत्व विभाग की जो की ओर से जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है, कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जयपुर का 293वां स्थापना दिवस है वो एक रंगोली के जरिए और लोगों को जागरूक कर कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए मनाया जा रहा है। इसमें कहा जा सकता है कि लोगों में जयपुर का जो 293वां स्थापना दिवस है उसको लेकर काफी उत्साह है वो है, और एक खुशी है जयपुर का स्थापना दिवस के बारे में जो चर्चा की जाती है और उसको लेकर भी काफी खुशी है जो लोगों में वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए लोकेश, गणेश पूजन की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और ऐसे में काफी मनमोहक ये तस्वीरें भी हैं जयपुर शहर के लिए, जिस तरीके से लगातार दोनों महापौर वहां पर हैं और गणेश पूजन जो है वो हो रहा है।
तो सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं, जहां पर जयपुर शहर के दोनों निगमों की मेयर वहां पर हैं। गणेश पूजन किया जा रहा है। इससे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी पूजा अर्चना हुई थी और अब गणेश पूजन की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंडित जी के हाथ कहाँ पे? महंत भी वहाँ पर मौजूद हैं जो पूजा करवा रहे हैं। गणेश पूजन यहाँ पर हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज जयपुर वासियों के लिए बड़ा अहम दिन है। पूरे राजस्थान की संस्कृति को कहीं ना कहीं अपने आप में समेटे जयपुर और पर्यटकों के लिए भी एक मिसाल बनकर उभरता रहा है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गणेश पूजन की। दोनों महापौर मौजूद हैं वहां पर। गणेश पूजन हुआ है। सीधी तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर।